हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को इस जींस का रियूज़ बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इस जींस का रियूज होने वाला है, और इसका मैंने पहले भी आप लोगों को रियूज बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की हो तो कर लेना। तो मैंने इसमें से एक पर्स बनाना बताया हुआ था, और आज भी मैं आप लोगों को साइड पर्स बताऊँगी, जो कि छोटा सा होगा, मोबाइल पर्स होगा। आप बच्चों को भी दे सकते हो इसको, बच्चों को भी ये पसंद आएगा और ये आप भी यूज कर सकते हो। तो ये मोबाइल के लिए भी आप यूज कर सकते हो और बच्चों के लिए भी, ये दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले ही मैंने एक पैर का जो नीचे वाला हिस्सा था उसको मैंने कट कर दिया है। अब देखिए, आपको इसे 9 इंच की लंबाई में कट कर लेना है पहले। तो देखिए, 9 इंच की हम लंबाई में एक निशान लगा देंगे दोनों साइड में, और इसको निशान लगा कर सीधा इसको कट अलग कर देंगे। और अब देखिए, इसमें जो सिलाई लगी हुई है उनको भी हम अलग कर देती हैं, जहाँ पर हमारी सिलाई लगी हुई है वहाँ पर। तो इसको देखिए, मैंने ऊपर मतलब रख लिया है डबल करके। डबल कपड़ा लेना है, इसको मैंने एक तरफ से पहले सीधा कट कर दिया है। अब हमें इसकी चौड़ाई 6 इंच रखते हुए इसमें निशान लगा देना है, दोनों तरफ 6 इंच का निशान लगा देना है। तो ये हमारा कपड़ा हो जाएंगे दोनों 6x9 इंच के। तो ये 6x9 इंच के हमारे दो पीस कट के रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको कपड़ा कट कर लेना है। अगर आपके पास जींस नहीं हो, पैंट हो, शर्ट हो, किसी में से भी आप कट कर सकते हो, जो भी आपके पास बेस्ट पड़ा हो। अब देखिए, अगर आप तनी के लिए यूज करना चाहते हो इसी में से, तो आप इसी में से तनी कट कर सकते हो। मैं इसमें से तनी कट नहीं करूँगी, क्योंकि जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, और मेरी मशीन जो मतलब जो नॉर्मल मशीन होती है वो मोटे कपड़े पर चल ना मतलब थोड़ी सी दिक्कत देती है। तो मैं नॉर्मल कपड़ा यूज करूँगी सादा। तो देखिए, इसकी जो तनी लगाऊंगी मैं वो सादा कपड़े में से लगाऊंगी। तो आपको ऐसा कपड़ा लेना है जो इस पर अच्छा लगे, और अगर आपके पास मैचिंग का कपड़ा हो तो मैचिंग का भी ले सकते हो। तो ये मैंने कलर दूसरे कलर का लिया हुआ है, लेकिन ये इसके ऊपर अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैंने ये दूसरा कलर ले लिया है। ये इसके ऊपर खिलेगा इसीलिए। तो देखिए, इसमें से 2 इंच की मैंने चौड़ाई में पट्टियां कट कर ली हैं। तो इसका नाप मैं बाद में बताऊंगी, आप देखना। तो मैंने भी अभी इनको नापा नहीं है कि कितनी ये लंबी है। तो देखिए, इसके लिए मैंने 3 अस्तर कट किए हुए हैं इसके बराबर के, एक पॉकेट के लिए और 2 अस्तर के लिए, और 2 मैंने चैन कट की हुई हैं, और 2 मैंने रनर लिए हुए हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चैन है तो एक एक ही रनर डाल देंगे। अगर आपकी बड़ी चैन हो तो आप 2 भी डाल सकते हो, आप जितना डालना चाहो। तो देखिए, इस तरीके से हम आलपिन की सहायता से इनको कच्चा कर लेंगे, आप सिलाई मशीन से भी कर सकते हो। और अब देखिए, 2 इंच की हम ऊंचाई पर एक निशान लगाएंगे दोनों तरफ। तो ये निशान हमारा चैन के लिए होगा। तो देखिए, मैंने निशान लगा दिया है। अब दोनों तरफ फिर से मैं आलपिन लगा देती हूँ, ताकि ये कपड़ा जो है हमारा सेट रहे कटने के बाद में। अब जो निशान हमने लगाया हुआ है वहाँ से हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है। अब जो हिस्सा हमने कट किया हुआ है वहाँ पर हम चैन को लगा देंगे, पहले एक को और फिर दूसरी चैन को हम बाद में लगाएंगे। तो पहले जो पॉकेट वाली जो हिस्सा है, ये पॉकेट वाला हिस्सा है, तो इसमें आप पैसे वगैरह, छोटा मोटा सामान कुछ भी रख सकते हो, और इसमें मोबाइल भी आपका आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें इस चैन को अटैच कर दिया है। अब इससे मैं कपड़े को दबाते हुए ऊपर से एक और सिलाई लगा दूंगी, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए कपड़ा, और बार बार पर चैन पर नहीं आएगा। अगर चैन में आ जाता है तो आपकी जो चैन है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसको मैंने कट कर दिया है। अब देखिए, जो बड़ी वाली जो पॉकेट है ऊपर मतलब पूरे बैक वाली, उसे हम ऊपर की साइड में लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका अस्तर लगा देंगे, जो हमने पॉकेट के लिए लगाया मतलब पॉकेट के लिए चैन लगाई हुई है। और उसके लिए फिर हमें अस्तर भी चाहिए होगा, क्योंकि हमने 3 अस्तर कट किए हुए हैं, और ये हमारे पॉकेट के लिए है। तो इसको मैं कच्चा कर और इसको हम सिल देते हैं। तो आपको चैन के ऊपर से इसको सिल देना है, और अगर आपका तो ये थोड़ा सा छोटा रह गया है, तो मैंने इसको जो चैन के ऊपर से सिलना है हमें, और अगर आपका पूरा हो तो पूरे को आप कच्चा कर देना। तो मैंने इसमें जॉइंट लगाना सही नहीं समझा, क्योंकि इतना कपड़ा था तो मैंने इतना ही ले लिया।
कपड़ा तो और भी था लेकिन फिर मैंने जॉइंट नहीं लगाया इसमें। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसको सिल दिया है, यहाँ तक हमारी ये पॉकेट आ जाएगी पूरी। और इसमें हम अब देखिए ऊपर की साइड में भी इस चेन को लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको अटैच करना है, कॉर्नर से सेट करते हुए ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए फिर से हम ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे ताकि ये नीचे दब जाए कपड़ा, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है फिर से हम उसे कट कर देंगे। और देखिए इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को इस चेन में सिल देना है। तो देखिए ये वाले पार्ट को भी मैं इसमें सेट करते हुए आपको देख लेना है, ये बराबर हो पार्ट, नहीं तो उधर इधर उधर नहीं होना चाहिए आपका जो चेन वाला हिस्सा है दोनों। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है, ऊपर से भी आपको एक सिलाई और लगा देनी है। तो इस तरीके से ये हमारी सिलाई चैन लग के रेडी हो गई है। अब हम इसमें रनर डाल देंगे दोनों में एक एक, जो भी आपको डालना हो, एक डालना है एक, दो डालनी है दो। तो देखिए मैंने दोनों में इस तरीके से रनर डाल दिए हैं, बीच में लाकर अटका दिए हैं। अब देखिए हम इसके लिए तने रेडी कर लेंगे जो हम बैग के लिए यूज करेंगे। तो हमने ये बैग के लिए जो कट की है तो ये स्लिंग बैग होगा, जो साइड में आप कंधे पैसे लेके डालते हो वो वाला। बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आप बना सकते हो घर पर ही, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगने वाला है। तो देखिए आप दो तरीके से तनी को बना सकते हो। तो देखिए इस तरीके से आप इधर और इधर दोनों साइड में एक एक सिलाई लगा सकते हो। तो और अगर आप एक सिलाई से ही इसे कंप्लीट करना चाहो तो आपको बीच में लेकर और एक बीच में सिलाई लगा देनी है। तो मैं एक बीच में सिलाई लगा देती हूँ, ज़्यादा सिलाई नहीं लगा रही हूँ। तो आपको करीबी केवल आधा इंच चौड़ी ये पट्टी बनानी है। तो देखिए आधा इंच चौड़ी करीब मैंने पट्टी को बनाते हुए इसको पूरी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको नाप बता देती हूँ कि इसका नाप कितना है। तो देखिए 21 इंच इसका डबल करके है, तो मतलब 42 इंच की ये हमारी पट्टी है टोटल लंबाई में। आप इसे छोटा या बड़ा, जितना बड़ा आप करना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। तो अब देखिए इसमें हम थोड़ी सी डिजाइन डाल देंगे, इससे कि थोड़ा सा और भी ज़्यादा हटके लुक आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर, पहले आपको नीचे वाले स्थल के कपड़े को उठा देना है पहले, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आपका जो चैन वाल के लिए, जो पॉकेट के लिए आपने अस्तल वाला जो कपड़ा लगाया हुआ है, अगर वो दब गया है तो फिर आपको दूसरा लगाना पड़ेगा, और नहीं तो आपकी फिर पॉकेट ही नहीं बन पाएगी। तो अब देखिए मैं रेड वाले कपड़े की भी एक स्ट्रिप लगा लूँगी। तो मैंने इसकी में से 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट कर ली है, और मैंने ग्रीन कलर वाला भी लगा दिया जो कि मैंने तनी के लिए यूज किया है। तो इस तरीके से, तो देखिए मैं दोनों तरफ नापते हुए 1 इंच की दूरी पर इसे कट निशान को लगाते हुए इसको सिल दूंगी दोनों साइड से। तो अब देखिए मैं अभी एक और पट्टी लगाऊंगी नीचे की साइड में। तो देखिए ये मैंने वाइट कलर की ली हुई है, तो इसे भी फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैं नीचे की साइड में 1 इंच नीचा लेते हुए इसको भी सिल दूंगी। तो इसे भी बराबर लेते हुए इस तरीके से मैंने सिल दिया है, और इससे देखिए कितना अच्छा लुक आ गया है। अब देखिए जो हमने पट्टी बनाई हुई है लगाने के लिए लंबी वाली, उसको हमें जो चैन है, चैन के सेंटर से हमें बीच में दोनों साइड में लगा देना है। तो आपको पहले अस्तर को नीचे कर देना है, फिर आपको इसको लगा देना है, और फिर से हमें चारों तरफ इसके सिलाई लगा देनी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि क्या कैसे किया था। और ज़्यादा बेटर होगा कि आप दोबारा से वीडियो देख लो अगर आपके समझ में नहीं आया है तो, और अगर आप बनाना चाहते हो तो। और कमेंट करके भी बताया करो फ्रेंड कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, और लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जो भी आगे की वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरीके से तीनों साइड में सिलाई लगा ली है। अब चैन को खोलते हुए मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो देख सकते हो कितना सुंदर सा हमारा साइड पर्स रेडी है। तो जो भी आप इसे नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है ये रियल में। तो
देखिए कभी कभी कैमरे में जो चीज़ नहीं दिखती है वो रियल में होती है, लेकिन जो रियल में नहीं होती है वो कैमरे में दिखती है। तो ये रियल में बहुत ज़्यादा सुंदर बना है, आपको कैमरे में चाहे अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो तो ये तो मुझे पता नहीं है आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा बना हुआ है। तो देखिए इसमें ये हमारी दो पॉकेट हो चुकी हैं, अब इसमें आप मोबाइल, छोटा मोटा सामान, पैसे वगैरह कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने मोबाइल के हिसाब से ही बनाया हुआ है ताकि इसमें मोबाइल अच्छे से आ सके। अगर आपका बड़े साइज का मोबाइल है तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से आप इसे साइड में भी, ये साइड में लटकाने का है, आप एक कंधे पर भी लटका सकते हो और साइड से भी। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। बाय बाय।